नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, प्रदेश के हर वर्ग को अपनी सरकार पर भरोसा है। आप भी सुने। न किसानों का, न मजदूरों का, न नौजवानों का, न गरीबों का, सबके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, मेरा उनसे दो तीन सवाल है कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी, 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहां से आ गए? बचे हुए 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख, लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से दो तीन सवाल करना चाहता हूँ। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्या नए जब सर्वे कराएंगे नए हितग्राही आएंगे उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि ब्रिजमोहन जी, अजय जी कह रहे थे जनगणना के हिसाब से हो सकता है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो 2012 साल से आपने जनगणना नहीं कराया, तो जो नए हितग्राही हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये दूसरा सवाल है। ये दो सवालों का वो जवाब दे दे। हमारे जो हम सर्वे करा रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं, उसे समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन गरीबों को भी मकान मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में राज्यपाल के कृतज्ञता भाषण में मैंने घोषणा की है कि जो भी पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको आवाज दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है कि नहीं है, ये स्पष्ट करें। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, केवल भ्रम फैला रही है। धान खरीदी हम करते हैं, हमारी सरकार कर रही है, पैसे का भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं केंद्र सरकार कर रही है। कल विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जी बोल रहे थे। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये स्थिति है। तो इसमें मैं तो स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हम सर्वे करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से समर्थन करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात है वो सूची कब देंगे, वो जो मिस्ड कॉल किए हैं, जो फॉर्म भरवाए हैं, वो सूची कब देंगे, और सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आवास का, शौचालय का? तो वहीं एमपी विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही महू में आदिवासी युवती की मौत का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि युवती की मौत करंट से हुई है, पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए फायरिंग की, इसमें युवक की जान चली गई, मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए दिए गए हैं। कि पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इस सरकार में लगातार जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे आदिवासी समाज हैं, हमारी आदिवासी बेटियां बच्चियां हैं, हमारे दलित वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ ऊपर लगातार जो है अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और इस प्रकार की घटनाएं लगातार जो है सामने आ रही है, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार जो है हमारे आदिवासी वर्ग और हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ जो है अन्याय और अत्याचार। देखिए, महू में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही इसे गंभीरता से लेते हुए जांच दल गठित करने की बात कही है। ये जांच दल महू के लिए रवाना हो चुकी है।
जिसकी जांच के बाद रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपी जाएगी। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आदिवासी महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कल महू के अंदर एक आदिवासी युवती के साथ कुछ दबंगों द्वारा गैंगरेप किया गया और गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी से आक्रोशित आदिवासी भाई जब पुलिस थाने पहुंचे और थाने में जाकर शिकायत दर्ज की तो पुलिस और आदिवासी भाइयों के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें पुलिस की गोली से एक आदिवासी युवक की हत्या हो गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जांच दल गठित किया है। वो जांच दल महू के लिए रवाना हो चुका है, वहां से जो रिपोर्ट रहेगी वो माननीय कमलनाथ जी को सौंपी जाएगी। तो मध्य प्रदेश की स्थिति महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। स्कूल की बिल्डिंग लीक होती है, अस्पताल लीक होते हैं, ये तो हालात है मध्य प्रदेश की। और ये कहते हैं कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, खंभे में तार नहीं और तार में बिजली नहीं होते हैं। स्कूल की बिल्डिंग लीक होती है, अस्पताल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज सुबह उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद नरोत्तम मिश्रा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अब्दालपुरा स्थित निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। ऐसी मां जिन्होंने मोहन यादव जैसा पुत्र सेवा के लिए समर्पित किया, बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, उन मां के चरणों में आज नमन करने आए थे। जो मऊ में घटना हुई है कल रात को, एक आदिवासी युवती की मतलब हत्या की गई, परिजनों का आरोप है कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई। दोनों विषय अलग अलग। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है, जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात है। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक है। कांग्रेस के विधायक दल भी वहां पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम संवेदनशील विषयों पर। जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस, हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर। MP के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस से पार्टी प्रवक्ता रहे योगेश गुप्ता ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। आपको बताते चले कि इस बात की जानकारी उन्होंने एक वीडियो जारी करके दी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में उन्होंने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने पार्टी को छोड़ने की वजह भी बताई है। वर्तमान परिपेक्ष में चमचों का बोलबाला है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुझे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर जाती हुई नज़र आ रही है। स्पष्ट तौर पर माननीय कमलनाथ जी एक जिद्दी बालक की तरह हठ धारण किए हुए हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। मेरी शुभकामनाएं माननीय कमलनाथ जी के साथ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता माननीय PC शर्मा जी, कैलाश मिश्रा जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय अजय सिंह जी, जिन्होंने मुझे कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। सम्मानित मीडिया का भी आभार करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे 800 से ज़्यादा डिबेट करने का अवसर प्रदान किया विभिन्न चैनलों पर। सभी चैनल के संपादकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मीडिया ग्रुप के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा, अगर मीडिया चाहे तो मुझे। अक्सर आपने नेताओं और विधायकों को भेंट देते हुए देखा होगा, पर इन दिग्गजों की सुरक्षा में तैनात इनके अंगरक्षक कई कठिन परिस्थितियों में इनकी सुरक्षा करते हैं, पर इन
अंगरक्षकों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आज मध्य प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। दरअसल दिन रात 24 घंटे वीआईपीओ की सतत निगरानी और चौकसी में तैनात अंगरक्षक की दुर्दशा विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा गेट के बाहर देखी गई और इस बीच एक बुजुर्ग गरीब व्यक्ति इन अंगरक्षकों को गर्मी की प्यास से बचने के लिए संतरे के चॉकलेट प्रदान कर रहा दिखाई दिया ताकि इन्हें प्यास ना लगे और भूख से भी राहत मिले। ये वीडियो इंसानियत का एक खूबसूरत उदाहरण है जहां चिलचिलाती धूप में ये बुजुर्ग इन अंगरक्षकों की मेहनत की सराहना कर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर है। बताते चले कि रायगढ़ जिले में ट्रेड यूनियन काउंसिल ने बुधवार को रसोई गैस के बढ़ते दामों पर अपना विरोध दर्ज किया। काउंसिल के सदस्य मिनी स्टेडियम में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार से गैस के दाम पर नियंत्रण लगाने की मांग करते नजर आए। उनका कहना था कि रसोई गैस के बढ़ते दाम से मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट गई है। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल निम्न वर्ग की रसोई से गायब हो चुका है। केंद्र सरकार रसोई गैस के बढ़ते दामों पर नियंत्रण लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। काउंसिल रायगढ़ के तरफ से रसोई गैस कमर्शियल गैस में जो वृद्धि हुई है 350 रुपया जो वृद्धि हुई है उसके विरोध में आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन इसलिए भी किया जा रहा है कि आम जनता आज महंगाई से करा रही है लेकिन मोदी सरकार और रेट को बढ़ाते जा रही है। ये वही सरकार है जो 1914 में 10 रुपया 5 रुपया अगर होता था तो पूरे देश में हलचल मचा देती थी। उन लोग सिलेंडर लेकर सड़क पर आ जाते थे। आज वो सब सरकार पे हैं। हम ट्रेड यूनियन काउंसिल के माध्यम से मांग करते हैं या तो वो सरकार छोड़े। अगर उनका मुद्दा सही था 2014 में तो आज भी वो मुद्दा जिंदा होना चाहिए 2023 में। वो मूल वृद्धि को वापस लें 50 रुपये 350। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कल दोपहर 1 बजे से 3 महिलाएं रायगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठी। देर रात करीब 11 बजे एसडीएम गगन शर्मा ने समझाइश देकर महिलाओं का धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। एसडीएम के आश्वासन के बाद मामले का पटाक्षेप हुआ है। मंदिर के लिए भी मेरा मंदिर टूटा है उसके लिए और मेरा जमीन के लिए, मेरा जमीन खूटा गाड़ कर मेरा को कम से कम वो लोग लेकर देगा बोल के मैं बैठा गया हूँ मेरा नाम में चढ़ाकर। जब कोटवारी भूमि में दिया है वो लोग कौन से तरह से दिया गया है, नहीं तो मेरा जमीन कहाँ है उसको खोज करके मेरा को दिया रहता। मेरा ऋण पुस्तिका भी यहाँ से लिया गया है और ये पट्टा भी गया है। महिला का नाम तुलसा देवी है। वे अपने उनके पास एक पट्टे की प्रति है जिसको लेकर के उनका कहना है कि उनकी जमीन थी और उस पर उनके द्वारा एक मंदिर निर्मित किया गया था और उस निर्मित को अज्ञात तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है और उसको लेकर के वो शुभ हैं काफ़ी और उस ज़मीन पे अपना अधिकार वो चाहती हैं। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि उनके पट्टे को लेकर के वो मेरे पास जो छाया प्रति उनके पास है उसको लेके वो आए मेरे पास कल और उसके लिए मैं टीम गठित करूँगा और उसकी पूरी बाकायदा मैं जाँच करूँगा और उस पर जो भी तथ्य पाए जाएंगे, यदि ज़मीन उनकी है उन पर कहीं पर भी उनका क्षेत्राधिकार उनके पास है, उनके पास उसका अधिकार प्राप्त है। रात में उन्हेल में चली हवाओं से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बताते चले आपको कि उन्हेल में चली हवाओं से किसानों को बेहद नुकसान हुआ है। तेज हवा चलने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। तस्वीर को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की फसलें यहां पर बर्बाद हो गई और ये फसलें जलकर खाक इस वजह से हुई क्योंकि रात में उन्हेल में चली हवाओं से शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बताते चले कि रात के करीब 7 बजे ये घटना घटी जब शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों की फसलों में भीषण आग लग गई। इस वजह से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किसान अपनी फसलों का बचाव करते हुए नजर आए।
भैया। युवा कांग्रेस के राकेश पांडे और अध्यक्ष आशीष जायसवाल ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर हल्ला बोला है और उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले में 3 दशक से उद्योग स्थापित हो रहे। उन्होंने आगे कहा कि आज पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम पर है, आम आदमी इससे बुरी तरह से प्रभावित है, चाहे सांस की समस्या हो या चर्म रोग, लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। ये है कि रायगढ़ में दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में औने पौने दामों पे जमीन खरीद के और बहुत ही बृहद रूप में रायगढ़ में उद्योगों का विस्तार हुआ, नियम कानून को ताक में नहीं रखा गया और रायगढ़ में प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है। आज के समय में अगर हम देखें तो और भी नए उद्योगों का विस्तार होना रायगढ़ के लिए उचित नहीं है। रायगढ़ की जनता इस मार को नहीं झेल पाएगी, इसीलिए हम आज पर्यावरण कार्यालय पहुँचे हैं, उनसे हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि रायगढ़ की स्थिति को देखते हुए, यहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है उस स्थिति को देखते हुए और उद्योगों को अनुमति ना दी जाए, इस बारे में विचार किया जाए। आज युवा कांग्रेस द्वारा इस तारतम्य में शंखनाद किया गया है और अगर इसमें हमारे युवा कांग्रेस संगठन के द्वारा बाइक रैली निकालकर शहर में नारेबाजी करते हुए हम लोग पर्यावरण विभाग आए हैं। हमारी मांग ये है कि 3 दशक से रायगढ़ में लगातार उद्योगीकरण हो रहा है, लेकिन अब रायगढ़ का जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत आगे निकल चुका है। पर्यावरण विभाग जन सुनवाइयों की, विस्तारों की और नए उद्योग स्थापित करने की नौटंकी बंद करे, समीक्षा करे क्या रायगढ़ का भूगोली, स्वास्थ्य, सड़क, जो यहाँ का आवरण है वो इस स्थिति में रह गया है कि यहाँ पर लगातार उद्योग लगने चाहिए। आप निकल जाइए बंजारी मंदिर, घरगोड़ा की रोड, तो आम आदमी का जाना दुश्वार है। छत अगर 2 दिन आप अकलतरा में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं आरोपी का नाम नितिन पातले है जो कि मुरलीडीह का रहने वाला है। इस बीच थाना प्रभारी उमेश साहू ने बताया कि प्रार्थिया भगवती मरकाम रोजगार सहायक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पकरिया गांव में रोजगार गारंटी के तहत मजदूरों के द्वारा शासकीय काम किया जा रहा था, तभी ग्राम मुरलीडीह आया और जमीन को अपना कहकर शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए अभद्रता करने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से खबर है जहां पर एमपी के कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज जैसे हालात हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है, आदिवासी वर्ग पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से इंदौर में महू के पास डोंगरगांव पुलिस चौकी में एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और बाद में पुलिस से संघर्ष में एक आदिवासी युवक की पुलिस की गोली से मौत हो जाती है, इस तरह की घटना प्रदेश के भयावह हालात को बताते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में जंगल राज जैसे हालात हैं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है, आदिवासी वर्ग पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरह से इंदौर के महू के पास डोंगर गांव पुलिस चौकी में एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार की घटना के बाद हत्या कर दी जाती है और बाद में पुलिस से भिड़ंत में एक आदिवासी युवक की पुलिस गोली से मौत होती है, इस तरह की घटनाएं प्रदेश के भयावह हालात को बताते हैं। आदिवासी वर्ग में डर का माहौल है, आदिवासियों पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने वरिष्ठ विधायकों के एक दल को घटना स्थल पर भेजा है जो वास्तु स्थिति की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में
सेंट्रल जेल भेरूगढ़ में जेल कर्मचारियों के जीपीएफ खाते से करोड़ों रुपए निकाले जाने का मामला उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ और जांच के दौरान रोज नए नए खुलासे हो रहे। अभी तक इस मामले में जेल के बाबू रिपुदमन सिंह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन कल जांच के दौरान जेल के दो और प्रहरी धर्मेंद्र लोधी और शैलेंद्र सिकरवार का नाम भी जुड़ गया है। वहीं सुबह जेल प्रहरी सुरेश मर्मट जेल अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका कहना था कि इस पूरे घोटाले में जेल अधीक्षक भी दोषी हैं, जिनके हस्ताक्षर से रुपए निकाले गए, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक जेल अधीक्षक को नहीं हटाया जाएगा वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। एक जो हमारे साथ में जो फ्रॉड हुआ वो तो हो, लेकिन इसलिए जेल अधीक्षक को इसमें आरोपी बनाया जाए, क्योंकि इसकी मिली भगत का कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे आपके खाते से कुछ राशि गायब हुई? मेरे खाते से 27 लाख की राशि गायब हुई है। इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? मेरे को कहने से अपने समाचार पत्रों के माध्यम से ही मिली मेरे को। उसे मैंने उसके बाद में फिर मैं नेट से निकलवा, नेट से मेरे को 27 लाख का गबन पाया गया। इसमें जेल अधीक्षक को आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा, जो उसका सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है? इनकी बिगर उसके तो पैसा निकलेगा नहीं है। जब तक मेरी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा मैं हमारे अनशन के लिए बैठा हूँ। जेल अधीक्षक और जो जो यहाँ कार्य कर रहा है दोनों ही जिम्मेदार है। पावर किसके पास में, इनके बिगर तो काम होता नहीं है। आज आप धरने पर बैठे हैं तो कब तक धरना? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक ये यहाँ से हटेगी नहीं। अंबिकापुर में वर्षों से शासकीय नजूल भूमि में काबिज लोगों को पट्टा न मिलने से परेशान हितग्राही कलेक्ट्रेट जनदर्शन में पहुंचकर पट्टा देने की मांग कर रहे थे। दरअसल चुनावी घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री ने लोगों से वादा किया था कि नजूल भूमि में काबिज लोगों को पट्टा दिया जाएगा। वहीं अंबिकापुर के कई ऐसे परिवार हैं जो लगभग 30, 35 और 40 सालों से शासकीय नजूल भूमि में घर बनाकर निवास कर रहे हैं, जिन्हें सर्वे होने के बाद भी अब तक पट्टा देने से वंचित रखा गया है। मैं नजूल जमीन में जो निवासरत परिवार है उनके साथ में आदरणीय कलेक्टर साहब के पास आए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की चुनाव से पूर्व घोषणा थी कि नजूल में निवासरत जो वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवार हैं उनको नजूल जमीन का पट्टा दिया जाएगा, और आज तक पर्यंत तक कुछ लोगों को परिवारों को पट्टा मिला, लेकिन बाकी कई परिवार वंचित रह गए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यदि आज इनको समय से इनको यदि पट्टा मिल गया रहता तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना मोर जमीन मोर आवास में ये पात्रता प्राप्त करते और इनका आवेदन जाकर स्वीकृत होता और इनका अपना सुंदर सा मकान बनाने का सपना साकार हो गया रहता, लेकिन आज दिनांक तक इनका ये कार्य नहीं हो पाया है। हम लोग बीते कई समय से लगभग 1-2 साल से इनके प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं और आश्वासन भी मिला है कि आश्रय योजना का। मेरा प्रदीप कुमार चावड़ा नाम है, मैं गौरीवाट से निवासी हूं और मैं पट्टे के विषय में हम सब ही भाई बहन लोग आए हुए हैं जो आज हम 35 साल से उस जगह पर वाकिफ हैं। अपना कच्चा का पक्का का जो भी जैसा मकान बना है उसमें निवास करते हैं और शासन द्वारा हम लोग को हमेशा हर साल सर्वे करके भी ले गए हैं 2 बार और आश्वासन देते रहते हैं कि बस 2 महीने में मिल जाएगा, 1 महीने में मिल जाएगा, जो आज कोरोना काल के बाद भी। हाँ, मैं कलेक्टर सर के पास आवेदन लेके आई हूँ। मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी काफ़ी समय से 3-4 वर्षों से वहाँ पे निवास करते हैं। हमारा नजूल लैंड है तो पट्टा के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि नजूल जमीन पर जो भी निवासरत है उनको पट्टा दिया जाएगा। और 3 वर्ष पहले हमारे काफ़ी सर्वे हो चुका है, सारी जाँच हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और हम 3 वर्ष से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमको पट्टा दिया जाए ताकि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। और इसीलिए हम बार बार सर से यही गुहार लगाते हैं कि हमको पट्टा। दंड संहिता से उर्दू फारसी के शब्दों को हटाने के अशासकीय संकल्प पर सियासी बवाल लगातार जारी है, तो वहीं अब इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के अशासकीय संकल्प का विपक्ष के विधायक जमकर विरोध करेंगे।
टुकड़े कराना चाहती है, आपस में इस तरह का कोई जनता की भलाई के लिए काम न करके कोई जनहित की योजना न बनाकर इस तरह के नाम चलाकर आपस में भाईचारे में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प अगर लाया जाता है तो घोर विरोध करेंगे। ठीक सर, तीसरा अनुपूरक बजट सरकार पेश करने जा रही है, लगातार आरोप ये लग रहे कि कर्ज बजट तो पैसा है नहीं है, घर में नहीं है, दाने अम्मा चली बनाने। जब घर में पैसा है नहीं है, पूरा सरकार का दिवाला निकल चुका है, हर सप्ताह कर्जा ली। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना।